At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. So, at the stroke of the midnight, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15th August 1947, हमारा देश आजाद हो रहा था, हमारा देश इंडिपेंडेंट हो रहा था। 200 साल की गुलामी के बाद हमारे देश में एक खुशियों की लहर दौड़ रही थी, हमारा देश आजाद हो रहा था। पर क्या मतलब था आजादी का? क्या सबके लिए आजादी का मतलब एक था? नहीं। हमारे देश में जो आजादी की स्ट्रगल हुई, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, उसमें समाज के हर तबके ने बढ़ चढ़कर पार्ट किया, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बूढ़े हो, बच्चे हो या स्टूडेंट्स हो, सब ने बढ़ चढ़कर पार्ट लिया। और सबके लिए आजादी का मतलब सेम नहीं था। महिलाओं के लिए आजादी का मतलब था समाज में बराबरी, समाज में सम्मान, पढ़ने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, अपने बारे में सोचने का अधिकार। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए आजादी का मतलब था जमींदारों से छुटकारा। स्टूडेंट्स के लिए आजादी का मतलब था एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एससी एसटी या अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी या फिर ट्राइबल्स, उन लोगों के लिए आजादी का मतलब था समाज में बराबरी, समाज में सम्मान, एजुकेशन में बराबरी, एजुकेशन में सम्मान। तो आजादी तो मिल रही थी, लेकिन सबके लिए आजादी का मतलब कुछ और था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष मिश्रा एंड आई एम योर मेंटर फॉर यूपीएससी जीएस2। एंड इन दिस सीरीज हम जो है यूपीएससी जीएस2 का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। एंड अभी तक हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें काफ़ी सारे एक्ट्स कवर कर लिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट हो गए, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारी क्लास है बेसिकली, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर की आखिरी क्लास है। और आज हम बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन। एंड अगर हम बात करते हैं 1947 के नक्शे की, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश का मैप कुछ इस तरीके का था। इस समय जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इनकी डिसीजन नहीं आई थी कि ये किसकी तरफ जाना चाहते हैं। हालांकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बाद में रेफरेंडम हुआ और वो पाकिस्तान के पास चला गया। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ अभी भी अड़े हुए थे। यहाँ के जो नवाब थे, यहाँ के जो राजा थे, महाराजा थे, वो अभी भी अड़े हुए थे कि साहब हमें तो कहीं नहीं जाना। ऑल्दो हम सब जानते हैं कि बाद में इन तीनों ने इंडिया के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था। तो ये एरिया कुछ था, बलूचिस्तान, लाहौर, कराची, सिंध, ये सभी पाकिस्तान में शामिल हो गए। और कुछ एरिया इधर बंगाल का जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाया और जो कि बाद में जाके बांग्लादेश बना, वो भी पाकिस्तान का पार्ट हुए। और बाकी पूरा हिस्सा, पंजाब का थोड़ा हिस्सा भी पाकिस्तान में चला गया, और उसके अलावा जो बचा पूरा का पूरा हिस्सा वो भारत के हिस्से में आया। तो चलिए बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947, ये गाइस माउंटबेटन प्लान पे बेस्ड था। माउंटबेटन प्लान पे ये बेस्ड था, जिसको हम जून 3 प्लान भी बोलते हैं, या थर्ड जून प्लान भी आप बोल सकते हैं, थर्ड जून प्लान। और इस प्लान के बाद, इस एक्ट के बाद, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद दो डोमिनियंस बनने वाले थे, और वो दो डोमिनियंस हम सब जानते हैं कौन है, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियंस बनने वाले थे। और याद रहे, डोमिनियंस, नेशन की बात अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी जो सुप्रीम कंट्रोल था वो किसके हाथ में था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में। ऑल्दो वो सुप्रीम कंट्रोल नाम का था, क्योंकि उनका केवल एक रिप्रेजेंटेटिव था जो कि यहाँ बैठेगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी। तो इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियंस बनने वाले थे, और ब्रिटिश का पूरी तरीके से जो ब्रिटिश कंट्रोल था वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला था। इस एक्ट को 18 जुलाई 1947 को रॉयल असेंट मिला, और ये डिसाइड किया गया कि 15 अगस्त 1947 को जो पावर है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी टू द रिस्पॉन्सिबल हैंड्स ऑफ इंडियंस, 15 अगस्त 1947। अच्छा, 15 अगस्त की रात को 12 बजे हमें आज़ादी मिली थी। तो इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि रात के 12 बजे ही क्यों चुना गया। ऑल्दो ये स्टोरी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि जब 15 अगस्त 1947 की जब डेट डिसाइड हुई, तो दिल्ली के कुछ बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बोला
कि 15 अगस्त का जो दिन है वो ऑस्पिशियस डे नहीं है, तो इसलिए इस वजह से 15 अगस्त का दिन जो है शुभ नहीं है, कुछ कारणों से ग्रह वगैरह के वजह से शुभ नहीं है। तो इसकी वजह से ये डिसाइड किया गया कि हम 15 अगस्त की यानी कि 14 अगस्त की रात की 12 बजे और 15 अगस्त की सुबह रात को 12 बजे हम ये काम करेंगे। हमारी जो नेहरू जी ने जो स्पीच दी थी वो हम हमारी जो आज़ादी है वो 15 अगस्त की सुबह 12 बजे होगी। तो ये इसके पीछे कुछ कारण बताए जाते हैं बट ऑल्दो ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हो चुका था जिसके अंदर दो डोमिनियंस इंडिया और पाकिस्तान बने थे। रिमेंबर ये जो एक्ट है इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, तो दो डोमिनियंस बने इंडिया और पाकिस्तान और कुछ इस तरीके से बंटवारा हुआ। अब क्या क्या अलग अलग प्रोविजंस थे, जो पंजाब और बंगाल के प्रोविंसेस थे, पंजाब और बंगाल के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उन्होंने वोट किया पार्टीशन के लिए, और उन्होंने वोट इसलिए किया क्योंकि रिलीजियस ग्राउंड्स पे उनका बंटवारा होना था। तो पंजाब का कुछ हिस्सा जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया और बंगाल का कुछ हिस्सा जो कि अगेन मुस्लिम मेजॉरिटी हिस्सा था वो पाकिस्तान में आ गया, जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था उस टाइम, बाद में बांग्लादेश बना। सिंध प्रोविंस जो था उसको चॉइस दी गई कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आना चाहो तो आ सकते हो, लेकिन सिंध क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है पाकिस्तान में ही जाएंगे। तो सिंध कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलेट अब है बांग्लादेश में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान का हिस्सा है। इन दोनों हिस्सों में रेफरेंडम की बात हुई और रेफरेंडम के थ्रू ये डिसाइड किया गया, इनको बोला गया, यहाँ की जनता को बोला गया कि आपकी मर्जी है कि आप इंडिया में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में जाना चाहते हो। तो यहाँ पे रेफरेंडम हुआ और रेफरेंडम के बाद दोनों ही प्रोविंसेस की जनता ने, पब्लिक ने ये डिसाइड किया कि वी विल गो विद पाकिस्तान। अब जो दोनों देश बन रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान जो दो डोमिनियन बन रहे थे, उसके लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाई गई, उनकी बाउंड्रीज को सेटअप करने के लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया जिसके हेड थे सर रैडक्लिफ। एंड इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही गई, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है ना, वो पाकिस्तान पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये कुछ दो डोमिनियंस के बारे में बात की गई। इस तरीके से दो डोमिनियंस बन गए, इंडिया और पाकिस्तान। और हम सब जानते हैं जब इंडिया पाकिस्तान बन रहे थे तो उस समय 15 अगस्त 1947 तक तीन जो प्रोविंसेस थे उनका डिसीजन नहीं आया था, प्रिंसली स्टेट बेसिकली जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ओके, उनको बाद में अलग अलग टैक्टिक्स की मदद से जो हमारे सरदार पटेल थे उन्होंने इंडियन डोमिनियन में उनको शामिल किया। इसके अलावा एंड ऑफ सुजरैनिटी, जो ब्रिटिश क्राउन की सुजरैनिटी थी ओवर द प्रिंसली स्टेट्स उसको खत्म कर दिया गया। तो प्रिंसली स्टेट्स का क्या हुआ, फिर प्रिंसली स्टेट्स को क्या बोला गया, कहाँ जाओगे आप, इंडिया जाओगे पाकिस्तान में जाओगे, तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको चॉइस दी गई। क्या चॉइस दी गई, उनको तीन चॉइसेस दी गई, या तो आप इंडिया में चले जाओ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दो, या पाकिस्तान में चले जाओ उनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह जाओ। तीन चॉइस दी गई। अब इंडिपेंडेंट रहने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट रहते दो अपोजिट कंट्रीज के बीच में तो आपको एक ना एक दिन तो भाई साहब कहीं ना कहीं जाना ही था। तो इंडिपेंडेंट रहने का वो बेसिकली एक लॉलीपॉप था जो कि दिया गया था। तो या तो इंडिया में चले जाओ या पाकिस्तान में चले जाओ या आप इंडिपेंडेंट रह जाओ। तो इस तरीके से सुजरेनिटी जो थी वो खत्म हो गई। इसके अलावा इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसके कुछ प्रोविजंस इस दिन ही लागू हो गए थे। उसके अलावा 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा का पूरा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। लेकिन ये जो गैप था इस बीच हमारे देश को गवर्न करने के लिए कुछ तो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, कोई एक्ट, कोई बिल, कोई कानून या कोई और संविधान होना चाहिए था। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करेगा। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब तक कि भारत का संविधान पूरा नहीं हो जाता तब तक ये भारत का, इनफैक्ट पाकिस्तान का भी, दोनों ही देशों में, दोनों ही डोमिनियंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह वर्क करेगा, यानी कि जो गवर्नेंस होगी इन दोनों देशों की वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग चलेगी। ओके, इसके अलावा
जो वॉइसराय का ऑफिस था उसको अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन गवर्नर जनरल के ऑफिस को अबॉलिश नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की जरूरत थी, लेकिन इस गवर्नर जनरल के पास कोई पावर नहीं थी। मैं आपको बता देता हूँ, दिस गवर्नर जनरल, इनको ये बोला गया कि आप जो है सिर्फ कैबिनेट की एडवाइस पे ही काम कर सकते हो, आपके पास अपनी कोई पावर नहीं है। ऑल दो ये जो गवर्नर जनरल है, इनकी अपॉइंटमेंट जो थी वो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में थी, लेकिन इनके पास कोई पावर नहीं थी, सिर्फ नाम के ये हेड थे और गवर्नर जनरल को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रखा गया, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोविजंस हैं जो कि हमें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वो प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि ऑब्वियस हैं, ठीक है, वो होना ही था। जैसे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आनी थी, तो बेसिकली वो सारे जो प्रोविजंस हैं वो होना ही था, ठीक है, तो उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल दो ये सारे प्रोविजन भी बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें पढ़ लेने चाहिए। तो इस तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हो गया। एंड रिमेंबर, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यहाँ पे हमारा डिसाइड नहीं हुआ था प्रेसिडेंट, तब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन थे? गवर्नर जनरल। और उनको अपॉइंट करने की जो पावर थी वो किसके पास थी? ब्रिटिश क्राउन के पास, यानी सुप्रीम कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के पास था, लेकिन वो सुप्रीम कंट्रोल केवल नाम का सुप्रीम कंट्रोल था, उसमें उनका कोई पावर नहीं थी उनके पास, जो पूरा का पूरा देश हमारा चला रहे थे उस समय। जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होगा तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो पूरा देश चला रही थी, ओके, और उसी तरीके से पाकिस्तान में भी सेम हो रहा था। तो इस तरीके से हमारा देश गाइस आज़ाद हुआ और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को इसके सारे के पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश में लागू कर दिया गया। तो ये था गाइस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इससे ज़्यादा हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड अब जो हमारा अगली क्लास होगी, यानी कि अगले सैटरडे, उसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि बहुत लंबा चलने वाला है। मुझे लगता है पूरा एक महीना हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखो दोस्तों, एक बहुत ही सेक्रेट डॉक्यूमेंट है हमारे देश का। हमारा देश जो कि एक सेक्युलर कंट्री है, कुछ लोग गीता को मानते हैं, कुछ कुरान को मानते हैं, कुछ बाइबल को मानते हैं, कुछ गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, कुछ लोग और कई किताबों को मानते हैं, लेकिन जो हमारा देश है उसमें जो सबसे सेक्रेट डॉक्यूमेंट है वो है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत ही प्यारी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन समझने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ आर्टिकल्स याद कर लिए और आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान हो गया, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऐसे प्रोविजंस थे जो कि बाद में चल के चेंज करने पड़े, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल क्यों रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन आज तक 2021 तक किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है, तो ये सभी चीज़ों की हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में, जो कि अगले सैटरडे से हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।